अर्ची सोना हल्ला 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 وانا سلي الرسول الكريم ما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القران المجيد ورفعنا لك ذكر بندے ستری ہم بندے ستری ہم خدایا محل ہے बंदे सितरी हम खुदाया महल है कुछ कह सकूं जबां से मेरी क्या मजाल है वाहद है लमयलित है खुद अपनी मिसाल है जिसका जवाब हो ना सके वो सवाल है रूहे अजीम खाल के और दो समा है तू ये बात तयशुदा है कि बेशक खुदा है तू ये बात तयशुदा है कि बेशक खुदा है तू अगर मालिक ने जुबान दी और वो जुबान सलामत है तो फिर उस जुबान से कहे जुबान अल्लाह अगर जुबान है पैदाइशी को गूंगा है तो उस पर तो मेरी कोई पाबंदी नहीं है जिसको मालिक ने जुबान दी ये ईमान है कि पैदा ही खुदा ने अपने जिक्र के लिए किया वो बोले जुबान अल्लाह واحسن من قلم تلقت عيني واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء किबला सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है सोचती तो होगी दुनिया सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर अरे वो सबर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है अब्दुल्ला जुल्फिकर जी ये जुमला इस मौके के मुनासिबत से जो दौर इस वक्त जिन हालात से गुजरा है ये जुमला कहना हक बजाने में है कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद जिसका यकीदा है हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह दोनों हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह जिनका ईमान है कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ही वो हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद और नासा हूँ कारी साहब ये जुमला मेरे लिए भी है बल्कि जोर के गुलाम के लिए कि नासा हूँ नासा हूँ कि सादत के गोहर रहा हूँ मिजानी महबत पे उन्हें तो रहा हूँ अरे छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ कि तारीफ मोहम्मद में जुबान खुल रहा हूँ अजीजान ग्रामी आज की अजीम शान जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत महफिल आपके चक्की जामिया मस्जिद में इनकार पजीर है जिसकी सरप्रस्ती जेर निगरानी जेर क्यादत जेर सियादत पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर सैयद सनाउल्लाह शाह साहब बुखारी तहमत पर कातिब कुसिया अब फरमा रहे हैं उनके साथ एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब बुखारी आप तशरीफ़ फरमा है अस्ताना आलिया 43 से तशरीफ़ लाए खूबसूरत तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्लाह करीमा आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
थोड़ा सा हाजिर होकर बैठ लेंगे, पता चले शाह साहब का जो शौक बोलने का मुझे पता है, ठीक है माशाल्लाह जिस शौक पे शाह साहब खुद खिताब फरमाते हैं, अगर मजमा ऐसा होगा तो फिर हम कहेंगे शाह जी आपके गाँव में तो कोई हाल ही कोई नहीं है, सारे सुम मुम बैठे हैं माशाल्लाह। मोहब्बत से जवाब दें, आने वाले मेहमानों को पता चले कि अब्बा शौक है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज की सुबह पर कितने फिल का बाकायदा आगाज करने के लिए आलम इस्लाम के बड़े अजीम कारी इस्लामाबाद की सरजमीन से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं मेरी मुराद जिन्नतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा हाफिज वकारी कारी जफर इकबाल खरल साहब आप तशरीफ फरमा है। खूबसूरत अंदाज में आयत मुकद्दसा से आज की सुबह पर रूहानी वजदानी इकानी महफिल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा आगाज फरमाएंगे। जनाब आपने पहले फिर सब इस्तकबाल लियाना वाजे ताकि दौरान तलावत को इस तरह की बात ना हो, चूँकि कुरान पाक को सुनने के कुछ आदाब हैं, जब कुरान पढ़ा जाए तो बाअदब होकर सुना जाता है, अगर कुरान पाक को सुनना फ़र्ज है पढ़ना सुन्नत है तो पढ़ सुनना हम पे फ़र्ज हो जाता है, तो इसलिए जनाब आपने पहले इधर आना है तशरीफ लाएँ, उसके बाद इंशाल्लाह बाअदब तरीके से बैठें। जो लोग मस्जिद के बाहर मौजूद हैं उनसे भी बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ कि कुरान पढ़ा जा रहा है, खाल के कायनात ने इससे बड़ी कायनात में कोई नात नहीं भेजी जो महबूब की शान में नाजिल हुई, अगर ये सुनकर भी किसी को सुकून ना मिले तो फिर उसे चाहिए कि अपने आप पे गौर करे कि उसके अंदर खामी क्या है, अगर वो कुरान की अजमत को भी नहीं समझता तो समझ लो उसको दीन का पता ही नहीं, दीन की इब्तिदा अजमत कुरान से, जिसको कुरान के आदाब का ही नहीं पता उसे नात सुनने का भी फायदा कोई नहीं, मेहरबानी फरमाए कुरान के आदाब को समझे मेहरबानी।